तालिबान की जानब से ईद उल अज़हा के मौके पर जंगबंदी के जवाब में अफगान हुकूमत ने भी सीज फायर का ऐलान कर दिया है। अमरीका का अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान सीज फायर का खैर मकदम। खबर इसां इदारे के मुताबिक अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर मज़कूरा पेशरफ्त से मुतल्लिक आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि ईद उल अज़हा के मजहबी त्यौहार के मौके पर तालिबान की जानब से शिद्दत पसंद कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी। तर्जुमान अफगान तालिबान ने वाज़ेह किया है कि जंगबंदी का आगाज जुमे के रोज से शुरू होगा जो 3 रोज तक नाफिजुल अमल होगा। उन्होंने जंगजुओं को हिदायत की है कि वो ईद के 3 दिन के दौरान दुश्मन के खिलाफ कार्रवाइयों से गुरेज करें। उधर अफगान सदर अशरफ गनी के तर्जुमान ने कहा है कि अफगान हुकूमत ने तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को सीज फायर का हुक्म दिया है। सिद्दीक सिद्दीकी ने कहा है कि अफगान हुकूमत तालिबान की जानब से ईद उल अज़हा पर जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम करती है। दूसरी जानब अमरीका ने अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान सीज फायर का खैर मकदम किया है। अमरीकी सिफारतकार ने कहा है कि उम्मीद है कि अफगान हुकूमत और तालिबान जल्द मुज़ाकरात करेंगे। अमरीका अफगान ईद की छुट्टियाँ अमन में गुजारने के हकदार हैं।